सभी देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मैं ऐसा आयजा का और एमटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत से गरीब बच्चों को और बहुत से लोगों को मदद की है फूड के जरिया से और गिफ्ट के जरिया से। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें जिंदगी में एक नया साल बख्शा है। हम उन बहुत से लोगों से बेहतर है जो खुदावन में सो गए हैं। तो हमें अपने कामों को अच्छा करना है, खुदावन के कलाम पर अमल पैरा होते हुए अपनी जिंदगी को खुदा में गुजारना है, ना के शैतानी कामों में गुजारना है। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में भी लिखा है, देखो पुरानी चीजें जाती रही और सब नई हो गई। तो हमें खुदावन के इस बात को याद रखना है। आपने जैसा कि कलाम में जबूर में लिखा, खुदावन में मसरूर रह तो वो तेरी जिंदगी की फरियादों को पूरा करेगा। तो जब हम खुदावन में मसरूर हो जाएंगे तो खुदावन हमारे इल्तजाओं को फरियादों को सुनने वाला कदूस खुदा है। तो हमें खुदावन के कलाम पर अमल करना है, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ना है। जो इंसान के अंदर चीजें होती है वो इंसान को नापाक करती है। ये नहीं कि हमें अपने अंदर को पाक साफ करना है, हमें अपने अंदर से बुरी चीजों को निकालना है। आप जानते हैं ना कि एक नलके से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, तो इसी तरह से या तो खारा पानी निकल सकता है या मीठा। तो हमें इस तरह के इंसान बनना है इस साल में कि हमें मीठा पानी बनना है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो हमें ये 2023 हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें बख्शा है, तो हम इस पर अमल करते हुए खुदावन के कलाम पर तो हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा दोबारा से एमटीवी का करना चाहती हूँ और सर आइजक का कि उन्होंने बहुत से लोगों को मदद की है, बहुत से बच्चों को फूड प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ मैं उनके लिए ब्लेसिंग चाहती हूँ कि आइंदा साल में भी एमटीवी को खुदा बहुत सी बरकत दे और सर आइजक को भी, वो फाउंडर है एमटीवी के, ताकि वो फाउंडर बनते हुए वो एमटीवी को आगे लेकर चले। और उनके साथ साथ एमटीवी के मेंबर्स के लिए भी मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ। लव एंड ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू।